अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल अशरफ अब्दुल मुनाफ एंग्लोर टू हाई स्कूल ब्यूरो। किसी भी तंजीम को मुकम्मल करने के लिए एक रहनुमा की ज़रूरत होती है, लेकिन रहनुमा की दौड़ में कई लोग शामिल होते हैं। फ़र्ज़ करो 10 लोग हैं और 10 लोग ये चाहते हैं कि कौम का रहनुमा मैं बनूँ, तो अब हमने रहनुमा किसको बनाना चाहिए? या एक फ़ौज में 10 लोग सिपे सालार है और वो ये चाहते हैं कि फौज का सिपे सालार मैं बनूं, तो अब हमने सिपे सालार किसको बनाना चाहिए? इसके लिए हमें एक मुनासिब इंतखाबी तरीका इख्तियार करना पड़ता है। इसी इंतखाबी तरीके को हम चुनाव कहते हैं, यानी इलेक्शन कहते हैं। इसी तरह बहुत सारी तंजीमें चलती हैं, जैसे पंचायत समिति, नगर पालिका। कोई भी तंजीम को मुकम्मल करने के लिए एक मखसूस शख्स को चुनना पड़ता है। हम उसकी सलाहियतों को देखकर, उसकी काबिलियत को देखकर उसको हमारा रहबर चुनते हैं और वही शख्स रहबर बनने के लायक होता है। मुख्तलिफ अशखास में एक शख्स को मुंतखब करने के अमल को हम इंतखाबी अमल कहते हैं। इसी को हम आम जबान में चुनाव कहते हैं, यानी इलेक्शन कहते हैं। इसी इलेक्शन के जरिए किसी गांव के सरपंच का इंतखाब किया जाता है, ज़िले के मेयर का इंतखाब किया जाता है, एक मुल्क के वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाता है, जिसमें एक रियासत के वज़ीर आला का इंतखाब किया जाता है, जिसमें लोग अपना वोट डालते हैं, जिसमें आम लोग अपनी राय देते हैं, यानी वोट डालते हैं, और जिस शख्स को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो शख्स मुंतखब हो जाता है, यानी जीत जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के हमारे इस सबक का उन्वान है इंतखाबी अमल।